ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी। शीश महल। राम और श्याम नाम के दो दोस्त थे। राम बचपन से ही आध्यात्मिक था और बहुत भक्ति करता था। श्याम अपना टाइम घूमने फिरने व मस्ती करने में व्यतीत करता था। एक दिन दोनों जंगल में से गुजर रहे थे तो उन्हें एक बोलने वाला तोता दिखता है जो कहता है, तुम्हें संग बैठो, एवर हेल्दी, सदगति की शिक्षा लाया, बाप है आया, बाप है आया। इन शब्दों को सुन दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि तोता क्या कहना चाहता है। वह दोनों वापस आते हुए एक आश्रम में पहुंचते हैं। वहां साधु महाराज अपनी अशरीरी अवस्था में बैठ बाप और चक्र को याद कर रहे थे। तपस्या से उठते ही दोनों दोस्त तोते का सारा वृत्तांत सुनाते हैं। साधु महाराज कहता है, तोता भगवान का संदेश देकर गया, मर जीवा बनो, सब कुछ भूल, बाप जो सुनाए वही सुनो, और संग तोड़ो और बाप को याद करो, अपने कर्म नहीं कुटो। श्याम कहता है, मुझे तो भगवान को याद करने की फुर्सत ही नहीं है। साधु महाराज कहते, भगवान इस धरा पर गुप्त रीति से आए हैं, उन्हें पहचानो। श्याम को ये बातें टाइम वेस्ट लगती है, जबकि राम को तो इशारा ही काफी था और वह अपने पुरुषार्थ में लग जाता है। अगले दिन साधु महाराज राम और श्याम को लेकर शीश महल पहुंचते हैं। शीश महल में जो शीशे लगे थे उन पर नजर पड़ते ही वे हमारे तीव्र पुरुषार्थ में आने वाली बाधाएं भगा देते थे। राम जब शीशे में देखता है तो शीशा कहता, पुरुषार्थ का चार्ट रखो, कितना समय बाप को याद किया चेक करो। श्याम के शीशे में देखते ही शीशा कहता है, जो कुछ पड़ा है वह भूल जाओ, मुख से सिर्फ बाबा बाबा बोलो, मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया, मैंने कहा, नहीं बाबा ने कराया, मैं निमित्त हूँ, यह याद रखो। जितना तुम मुख से बाबा बाबा बोलोगे उतना अनेकों को बाबा का बना सकोगे। अब दोनों को समझ आ जाता है कि तोता क्या कह कर गया। साधु महाराज कहते, अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। श्याम सब समझ जाता है और अपना टाइम भगवान की याद में सफल करता है। इस कहानी से शिक्षा, बाबा बाबा शब्द ही सफलता की चाबी है। अच्छा, ओम शांति।